एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा HCl सिक्रीशन। ओके, तो HCl सिक्रीशन कहाँ से HCl सिक्रीट होता है? स्टमक की पैराइटल सेल से सिक्रीट होता है। ओके, HCl सिक्रीशन नॉलेज के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, ये एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर एक शॉर्ट नोट आता है, HCl सिक्रीशन और साथ में इसके रेगुलेटिंग फैक्टर्स एंड इट्स स्टिमुलाई अलॉन्ग विद देयर रिसेप्टर्स। ओके, तो HCl सिक्रीशन को हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, इसकी पोस्ट पेंड्रल अल्कलाइन टाइड क्या चीज़ होती है, ये भी वाइवा का क्वेश्चन होता है। पैप्टिक फैक्टर्स स्टिमुलेटिंग भी इसमें इंपॉर्टेंट है, पैप्टिक अल्सर डिजीज़ एंड थोड़ा सा उसके ट्रीटमेंट के बारे में भी जानना ज़रूरी है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कहाँ से सिक्रीट होता है। इट इज़ सिक्रीटेड फ्रॉम पैराइटल सेल्स। ओके, तो अब हम इसका, ये हमारे पास एक पैराइटल सेल है। ओके, पैराइटल सेल्स के दो बॉर्डर है, दिस इज द एपाइकल बॉर्डर ऑफ द पैराइटल सेल, एपाइकल बॉर्डर। ये एपाइकल बॉर्डर किधर की तरफ है? लुमन की तरफ। यहां पर है आपकी गैस्ट्रिक लुमन, जहां पर आपका सिक्रीशन आना है। इधर वाला जो पोर्शन है पैराइटल सेल का, इसका नाम है बेजो लैटरल बॉर्डर ऑफ द पैराइटल सेल। ओके, ये पैराइटल सेल के दो बॉर्डर हैं, बेजो लैटरल बॉर्डर एंड द एपाइकल बॉर्डर। उधर आपकी लुमेन है और इधर आपका है इंटरस्टिशियल, ये जो जगह है यहाँ पे, ये है आपकी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ISF, इंटरस्टिशियल। ISF क्या होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूड। और ये इंटरस्टिशियल फ्लूड फाइनली कहाँ पर ब्लड लेके जाएगा? ब्लड में। ओके, सो दिस पोर्शन इज द इंटरस्टिशियल फ्लूड, दैट इज द पैराइटल सेल, और ये है आपका इंटेस्टाइनल लुमन। जैसे हम बात करें कि ये समझ लीजिए इंटेस्टाइन है, तो ये इंटेस्टाइन की लुमन है, लुमन के पास में इसकी वॉल होगी और उसके पास में आपका सप्लाई होगी, ब्लड की सप्लाई, दैट इज इंटरस्टिशियल फ्लूड। ओके, अब यहाँ पे जो सेल है, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है बाय दी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, जो मेटाबॉलिज्म अंदर सेल के अंदर हो रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से भी आ रही है। ओके, अब ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है और ये बनाती है H2CO3। H2CO3 डिवाइड होता है एच आयन में और HCO3 आयन में, इट इज़ डिवाइडेड इंटू HCO3 आयन और एच आयन। ठीक है, अब ये जो एच आयन है ये आपका आता है लुमन में, ये कैसे आता है? यहाँ पर एक है हमारे पास में एक ट्रांसपोर्टर है जो पोटेशियम को अंदर करता है और एच आयन को बाहर निकाल देता है, इसका नाम है, ये जो अपना पास है इसका नाम है एच आयन पोटेशियम आयन, ATPase। ATPase है क्योंकि ये पंप है और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये यहाँ पर एनर्जी यूज हो रही है, तो एच आयन पोटेशियम आयन ATPase। ये एच आयन जो बना, एच आयन निकल गया, इसके बदले में पोटेशियम अंदर आ जाता है। ठीक है, ये जो बाइकार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट आ जाता है आपका दूसरी साइड, इस बाइकार्बोनेट के लिए भी यहाँ पर एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसके थ्रू क्लोराइड इसमें एक्सचेंज होता है अंदर की तरफ। तो बाहर से इंटरस्टिशियल फ्लूइड से क्लोराइड अंदर गया, बाइकार्बोनेट बाहर गया। ठीक है, इसका नाम है यहाँ पे जो ये है, इसका नाम है HCO3Cl- एक्सचेंजर। एक्सचेंजर क्यों? क्योंकि ये एक्सचेंज करता है, बाइकार्बोनेट को बाहर फेंक रहा है, क्लोराइड को अंदर ला रहा है। ठीक है, अब ये क्लोराइड यहाँ पे इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये थ्रू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही ये क्लोराइड लुमन में आ जाता है। ठीक है, अब ये एच आयन और ये क्लोराइड आयन, ये दोनों मिलके बना देते हैं HCl। सो दिस इज दी HCl फॉर्मेशन। इसके लिए एच आयन पोटेशियम आयन ATPase, ये बहुत इंपॉर्टेंट पंप है, इस इंपॉर्टेंट फाइनल पंप यही है जिसके थ्रू एच आयन बाहर लुमन में आते हैं और HCl का फॉर्मेशन होता है। अब ये पोटेशियम कहाँ से आया? चलिए, क्या होता है, ये जो आपकी कौन सा बॉर्डर है, ये बेजो लैटरल बॉर्डर है, बेजो लैटरल बॉर्डर। इस बेजो लैटरल बॉर्डर में यहाँ पर होता है पंप जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप।
दिस इज सोडियम पोटेशियम पम्प। एक बहुत कॉमन पंप है और ये हमेशा जो इंटरस्टिशियल फ्लूड के पास वाली साइड होती है सेल की, उसमें मिलता है काफ़ी मात्रा में। तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप बेजोलेटल साइड पे है, बाइकार्बोनेट क्लोराइड एक्सचेंजर ये भी बेजोलेटल साइड पे है जो कि इंटरस्टिशियल फ्लूड की तरफ की जिसकी पेरिटल सेल की वॉल है, और एपाइकल बॉर्डर यानी जो लुमन की तरफ है वहाँ पर कौन सा है, एच आयन पोटेशियम एन एटीपेज। अब ये एच आयन पोटेशियम आयन अंदर इतना ज़्यादा हो रहा है कि ये आपका बाहर निकल आता है, और ये वही पोटेशियम है जो बाद में अंदर की तरफ एक्सचेंज होता है एच आयन को बाहर लूमन में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ओके, सो दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मेक द एच टू सी ओ थ्री, इट इज़ डिवाइडेड टू एच सी ओ थ्री प्लस एच आई एन, द एच आई एन गोज टू द लूमन इन एक्सचेंज विद द पोटेशियम बाय अ ट्रांसपोर्टर नोन एज एच आई एन पोटेशियम एन ए टी पी। इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज होती है। जो आपकी पेरेटल सेल है, इस पेरेटल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी कंटेंट में होते हैं जिससे कि एनर्जी इसमें यूज़ की जा सके। ओके, अच्छा अब क्या होता है, ये जो आप देखेंगे कि एक एच आयन को बाहर निकालने के लिए एक बाइकार्बोनेट आयन को ये इंटरस्टिशियल फ्लूड में लाया जा रहा है, उसके बाद ये फाइनली कहाँ जाएगा, ब्लड में। बाइकार्बोनेट एक अल्कलाइन चीज़ है, तो जैसे ही एक एच आयन को आप लूमन में डाल रहे हैं उसकी एसिडिटी को बढ़ा रहे हैं, ब्लड की जो एसिडिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि बाइकार्बोनेट वहाँ पे आ रहा है, या कह सकते हो कि जो ब्लड है वो कंपैरेटिवली क्या हो रहा है, अल्कलाइन हो रहा है। तो ब्लड जो है आपका अल्कलाइन हो रहा है, फिर ये ब्लड जो है फाइनली यूरिन ब्लड से ही बनता है, फिल्टर होता है किडनी में, तो ये फाइनली इससे क्या हो रहा है, यूरिन भी अल्कलाइन हो रहा है। तो ये जो यूरिन अल्कलाइन हो रहा है ये कब का हो रहा है, खाना खाने के बाद हो रहा है, क्योंकि खाना खाने के बाद ही ये HCl सीक्रेशन होता है। तो खाना खाने के बाद ब्लड की pH और यूरिन की pH थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, मतलब अल्कलाइन हो जाता है वो, इसी को हम बोलते हैं पोस्ट प्रैंडियल अल्कलाइन टाइड। दिस इज पोस्ट प्रैंडियल अल्कलाइन टाइड, पोस्ट प्रैंडियल अल्कलाइन टाइड, ये आपसे वाइवा में भी पूछा जाता है और ये 1 or 2 marks के क्वेश्चन में भी आ जाता है, व्हाट इज पोस्ट प्रैंडियल अल्कलाइन टाइड। तो ये क्या है, इट इज़ आफ्टर द इंजेशन ऑफ फूड, देयर ब्लड pH और एंड यूरिन pH आर इंक्रीजेज, और यू कैन से दैट ब्लड और द यूरिन बिकम अल्कलाइन जस्ट आफ्टर टेकिंग द फूड। पोस्ट प्रैंडियल का मतलब होता है खाना खाने के बाद, तो ये हो गया पोस्ट प्रैंडियल अल्कलाइन टाइट। ओके, अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स स्टिमुलेटिंग दिस सिक्रीशंस, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं। ये डायग्राम है हमारा पेराइटल सेल का, तो ये पेराइटल सेल है जहाँ से HCl सिक्रीशन हो रहा है, और ये है इसकी लूमन, लूमन में हमने दिखाया है यहाँ पर HCl सिक्रीशन। ओके, इसकी मेनली 3 स्टिमुलाई हैं जो HCl सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं, एक है हिस्टामीन, दूसरा है ACH एसिटाइलकोलीन, तीसरा है गैस्टिन। ओके, हिस्टामीन, एसिटाइलकोलीन एंड गैस्ट्रिन। ओके, अब हिस्टामीन कहाँ से सिक्रेट होता है, हिस्टामीन सिक्रेट होता है हमारा एंटरोक्रोमोफिन सेल से, स्टमक में ही जो ग्लैंड्स है वहाँ पर साथ साथ में कुछ और सेल्स भी होते हैं जिनका नाम होता है एंटरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स, ECL सेल्स, एंटरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स, एंटरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स एंट्रोक्रोमाफिन लाइक सेल से ही होता है हिस्टामिन का सिक्रीशन। ये हिस्टामिन H2 रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है, जो पेराइटल सेल्स है पेराइटल सेल्स पे 3 रिसेप्टर होते हैं, H2 रिसेप्टर, M3 रिसेप्टर एंड CCK-B रिसेप्टर्स, ये दोनों तो मस्ट है याद रखने, एक 2 है एक 3 है, तो एक H2 है एक M3 रिसेप्टर है, H2 इज हिस्टामिन का रिसेप्टर, H4 हिस्टामिन, H4 H2 रिसेप्टर, हिस्टामिन का रिसेप्टर है H2, ये होता है M4 मस्कारिनिक रिसेप्टर, ये है
एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर। तो मस्कारेनिक में M3 रिसेप्टर होता है यहाँ पे। एक्चुअली रिसेप्टर्स बहुत तरह के होते हैं, जैसे एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर होते हैं मस्कारेनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर। तो मस्कारेनिक में भी M1, M2, M3 है, तो यहाँ पर M3 टाइप का रिसेप्टर पाया जाता है। एक ये है आपका गैस्ट्रिन का रिसेप्टर, इसमें CCK-V है, ज़रूरी है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं रिसेप्टर को, अगर याद रख सकते तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे गैस्ट्रिन लगता है, इस रिसेप्टर पे गैस्ट्रिन लगता है, इस पे एसिटाइलकोलिन लगता है और इस पे लगता है हिस्टामिन। ये ब्लैक वाले जो मैंने बना रखे केमिकल हैं, ये हिस्टामिन है, ये एसिटाइलकोलिन है, ये गैस्ट्रिन है, और ये इनके रिसेप्टर हैं H2 रिसेप्टर, M3 रिसेप्टर एंड CCK-V रिसेप्टर्स। इन पे लग के ये सारे के सारे HCL के सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं, ये HCL सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं। ओके, अब ये जो एसिटाइलकोलिन है ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है हमारे में पैरासिम्पैथेटिक का वैगस नर्व से एसिटाइलकोलिन सिक्रीट हो रहा है। ये एसिटाइलकोलिन M3 रिसेप्टर पे बाइंड करता है और HCL सिक्रीशन को बढ़ाता है। अब ये जो एसिटाइलकोलिन है ये हिस्टामिन के सिक्रीशन को भी बढ़ाता है और ये गैस्ट्रिन के सिक्रीशन को भी बढ़ाता है। गैस्ट्रिन कहाँ से निकलता है, जी सेल्स से। जी सेल्स कहाँ होती हैं, जी सेल्स आर इन एंट्रम ऑफ पाइलोरस, जो स्टमक का लास्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं पाइलोरिक एंट्रम, वहाँ से गैस्ट्रिन सिक्रीट होता है और ये गैस्ट्रिन HCL सिक्रीशन को बढ़ा रहा है। तो इट्स बेटर कि ये डायग्राम ऐसे ना बना के, क्योंकि ये इसके सिक्रीशन को बढ़ाता है, तो बेटर है कि आप इसको ऐसे ना बना के आप इसको इन सेल्स को स्टिमुलेट करते हुए बनाइए। इन सेल्स को स्टिमुलेट करा के ये इनको सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से HCL का सिक्रीशन इन तीनों स्टिमुलाई से इंक्रीज होता है। आप अगर ये याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं, क्योंकि एक तरह से तो याद रख सकते हो कि वेगस जो है वो एसिटाइलकोलिन सिक्रीट करता है, एसिटाइलकोलिन पैरासिम्पैथेटिक है तो वो हर एक को इफेक्ट करना चाहिए। तो एटलीस्ट आप ये याद रख लें कि एसिटाइलकोलिन तीनों को इफेक्ट करता है, हिस्टामिन के सिक्रीशन को भी, गैस्ट्रिन के सिक्रीशन को भी और डायरेक्ट HCL के सिक्रीशन को भी। बाकी आप याद रख सकते तो ठीक है, नहीं तो आप एटलीस्ट इतना याद रख लीजिए कि हिस्टामिन का H2 रिसेप्टर है और एसिटाइलकोलिन का M3 रिसेप्टर है, ये तीनों मिलके HCL के सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं। ओके, अब आपका आता है पेप्टिक अल्सर डिसीज। अब कई बार लोगों को ना पेप्टिक अल्सर हो जाता है। अब पेप्टिक अल्सर में भी दो तरह का हो सकता है, या तो आपका होता है डुओडिनल अल्सर, तो जो डुओडिनम पार्ट है उसमें अल्सर हो सकता है, या दूसरा होता है आपका स्टमक का अल्सर या फिर पेप्टिक अल्सर। अब इस अल्सर के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, सबसे पहला रीजन होता है देयर इज डिसरप्शन ऑफ बैरियर। डिसरप्शन ऑफ प्रोटेक्टिव बैरियर, एक्चुअली क्या होता है, जो स्टमक की वॉल है, स्टमक की जो वॉल होती है वहाँ पे अलग अलग ग्लैंड्स हैं, ये पैराइटल सेल्स हैं जहाँ से HCL सिक्रीशन हो रहा है। तो होता क्या है कि जो जैसे अब जो एकदम बिल्कुल लुमन के पास जो लेयर्स होती है वहाँ पर म्यूकस का सिक्रीशन ज़्यादा होता है, जिससे HCL सिक्रीशन तो लुमन में होता रहे, लेकिन जो इसकी खुद की वॉल है GIT मतलब स्टमक की जो खुद की वॉल है उसका ऑटो डाइजेशन ना हो, मतलब जो HCL है उसकी वॉल को ही खुद डाइजेस्ट ना कर दे, उसके लिए वहाँ पर म्यूकस का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है और म्यूकस की एक लेयर बना लेता है ये, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है कि जो ये जो प्रोटेक्टिव बैरियर है ये किसी ना किसी वजह से डिसरप्ट अगर हो जाए तो पेप्टिक अल्सर हो सकता है, वो उस खुद को डाइजेस्ट करने लगती है और अल्सर का फॉर्म ले लेती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर हो सकता है जिसका नाम होता है गैस्ट्रिनोमा। गैस्ट्रिनोमा क्या होता है, गैस्ट्रिनोमा होता है गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर। अब हमने पढ़ा है कि गैस्ट्रिन HCL सिक्रीशन को बढ़ाता है, इसलिए अगर गैस्ट्रिन बहुत ज़्यादा सिक्रीट हुआ तो वो भी HCL सिक्रीशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, जिसकी वजह से वहाँ पर अल्सर हो सकता है। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है एच पाइलोराई, एच का फुल फॉर्म है हेलिकोबैक्टर। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई एक बैक्टीरिया है, उसके इन्फेक्शन की वजह से भी जो वॉल है वो डिसरप्ट हो सकती है, मतलब ब्रेक हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पे अल्सर हो, क्योंकि HCL उसको डाइजेस्ट करने लग जाएगा खुद की वॉल को, और उससे भी पेप्टिक अल्सर होने का चांस रहता है। फिर हम जो दवाइयाँ लेते हैं पेन किलर, जिनमें से पेन किलर भी बहुत तरह के होते हैं, एक तरह का जो बहुत कॉमन पेन किलर है उसका नाम है NSAIDs। NSAIDs का मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल
एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। जरूरी नहीं है कि आप इसका फुल फॉर्म याद रखिए, बस एनएसएड्स ड्रग्स होती हैं जो कि पेन किलर हैं। अगर आप उनको बहुत एक्सेसिव यूज़ कर रहे हो तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ दिस ड्रग्स दे कैन ऑल्सो डिसरप्ट दिस मेम्ब्रेन और इसलिए उनमें अल्सर होने का चांस रहता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके कॉजेज हैं जो अल्सर कर सकते हैं। एक्सेसिव स्ट्रेस से भी कई बार अल्सर होता है, बहुत अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो भी अल्सर हो सकता है। अब आप इसके ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? इनके ट्रीटमेंट में हम मेडिसिन देते हैं जिनका नाम होता है एंटा एसिड्स, मतलब एसिड्स को ख़त्म करने वाली दवाई को हम बोलेंगे एंटा एसिड्स। अब आप देखिए एंटा एसिड्स में भी आपने सामने सामने नाम सुना होगा रेंटेक, रेंटेक काफ़ी लोगों ने खाई भी होगी, रेंटेक मेडिसिन होती है। जब हम कोई एंटीबायोटिक लेते हैं उसके साथ में भी रेंटेक दी जाती है। तो ये जो रेंटेक है ये H2 रिसेप्टर्स इसको इनहिबिट करती है और रेंटेक के अंदर जो आपका सॉल्ट होता है, रेंटेक तो एक फार्मास्यूटिकल नेम है, एक ब्रांड नेम है, इसके अंदर जो सॉल्ट होता है उसका नाम होता है रैनिटिडीन। और इसी सॉल्ट की एक ड्रग होती है सिमेटिडीन या रैनिटिडीन। ये इस H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं और हिस्टामीन का जो फंक्शन है उसको यहाँ पर नहीं होने देती और HCL के सिक्रीशन को कम कर देती है, क्योंकि हमें पता है हिस्टामीन H2 रिसेप्टर पे काम करके इस HCL सिक्रीशन को कम करता है। तो सिमेटिडीन एंड रैनिटिडीन आर H2 ब्लॉकर, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, दूसरा सबने खाई भी होगी और सुना भी होगा पेंटॉप। तो पेंटॉप जो है उसमें सॉल्ट होता है पेंटोप्राजोल और वो जो हमारा फाइनल हमारे पास यहाँ पे वो रहता है ना कैरियर, जो हमारा पंप है, कौन सा पंप है? HIN पोटेशियम आयन ATPase। तो जो फाइनल पंप है उसको ये पेंटोप्राजोल और जो है राबेप्राजोल वो इनहिबिट करती हैं। तो हम ये दूसरा आ गया आपका पेंटोप्राजोल। हमेशा एग्जाम में हम ब्रांड नेम ना लिख के उसके अंदर क्या सॉल्ट है वो लिखते हैं। तो पेंटोप्राजोल या राबेप्राजोल ये इनहिबिट करते हैं किसको? HIN पोटेशियम आयन ATPase को। हमने पढ़ा था HIN पोटेशियम आयन ATPase एपाइकल बॉर्डर ऑफ पेरेटल सेल पे एक पंप होता है जिससे फाइनली HIN लूमेन में आते हैं और CL के साथ मिलकर HCL बनाते हैं। तो ये इसका को ब्लॉकर कर देते हैं। तो एक तो हो गया हमारे पास सिमेटिडीन रैनिटिडीन जो H2 ब्लॉकर हैं और एक हो गया पेंटॉप और राबेप्राजोल जो कि HIN पोटेशियम आयन ATPase है। ठीक है, ये है दूसरा। अगर किसी को गैस्ट्रिनोमा है तो आप क्या कराओगे? सर्जरी कराओगे। अगर ये H. pylori बैक्टीरियल इन्फेक्शन पाया जा रहा है तो आप क्या करोगे? एंटीबायोटिक दोगे। ठीक है, NSAIDs अगर बहुत लंबे टाइप से ले रहे हो तो आप इनको स्टॉप करोगे। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में ये एंटासिड देते हैं, जो भी कॉज है उसको ट्रीट करेंगे, चाहे सर्जरी करो, एंटीबायोटिक दो या इस NSAIDs को स्टॉप करो। तो HCL बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये कह सकते हो कि ये HCL सिक्रीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है GIT से और इसमें शॉर्ट नोट आने का चांस रहता है। तो HCL सिक्रीशन में एक तो पैरेटल सेल वाला डायग्राम बनाना है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर से मिलके ब्रेक डाउन होकर HIN बन रहे हैं। इसमें आपका एक HIN पोटेशियम आयन ATPase इसका फाइनल पंप है, दूसरा पंप इधर की तरफ है बाइकार्बोनेट क्लोराइड एक्सचेंजर और सोडियम पोटेशियम पंप, वो मैकेनिज्म लिखनी है। दूसरा आपको पोस्ट पेंडल एल्कलाइन टाइड थोड़ा बताना है और एक ये डायग्राम बनाना जरूरी है, इसमें आपको H2M3 रिसेप्टर्स के बारे में बताना है और तीनों के नाम एटलीस्ट होने चाहिए, हिस्टामीन एसिटाइलकोलिन एंड गैस्ट्रिन। और अगर अप्लाइड पार्ट आप कुछ बता सकते हैं तो दो लाइन आप गैस्ट्रिक अल्सर डिजीज के बारे में बता दो और इसके ट्रीटमेंट और एंटासिड्स के बारे में बता दो। ओके, थैंक यू।